फ्रूट क्रेट से बड़े साइज का गमला कैसे बनाएं, आज की वीडियो का विषय यही है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने फ्रूट क्रेट जो मार्केट से हमें 40 से 50 रुपए में कबाड़ की दुकान से या फल की दुकान से मिल जाता है, उससे बड़े साइज का गमला कैसे बनाएं जिससे कि हम अपने बड़े पौधों को उनमें लगा सकें। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो फ्रूट क्रेट से बड़े साइज़ का गमला बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्रेट, फ्रूट क्रेट, जो कि आप किसी भी कबाड़ के दुकान से या मार्केट से फल विक्रेता से ले सकते हैं। उसके अलावा एक कैंची या चाकू और एक इस प्रकार का टेप, और इन सब के अलावा पॉलीथीन जो कि हमें मार्केट से किसी भी हार्डवेयर शॉप से या फिर जहाँ से भी मिल पाए वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमें फ्रूट क्रेट से गमला कैसे बना सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे इसे बनाना है। तो दोस्तों हमें पॉलीथीन लेनी है और उसको गमले के साइज़ से नाप लेना है। इस प्रकार हमें अपने गमले को रख के हमने दोनों तरफ से इसका नाप ले लिया है। तो इसे नापने के बाद उस साइज़ में हमें काट लेना है। दोस्तों फ्रूट क्रेट से जो पॉट हम बनाते हैं तो इसकी ये मजबूत भी होता है, और चूँकि इसकी चौड़ाई करीब 14 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 22 इंच के आसपास है, तो ये हमारे लिए बड़े पॉट का काम करता है। इसमें अच्छी खासी मिट्टी आती है जिसमें हमारे पौधों की जड़ों को, रूट्स को ग्रो होने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो हम उसमें किसी भी फल या बेल वाली सब्जियां या रूट वाली सब्जियां जैसे कि आलू हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस फ्रूट क्रेट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसका साइज़ नापने के बाद इसे हम कट कर लेंगे इस प्रकार, और कट करने के बाद देखिए किसी भी चाकू या कैंची की मदद से आप इसे कट कर लीजिए साइज़ देख के, और उसके बाद हम इसे इसमें टेप की मदद से दोनों साइड्स पे, दोनों छोरों पे चिपकाएंगे। हमने ये कट कर लिया, अब इसे हम इसमें रख के और अच्छे से इसे उसमें फ्रूट क्रेट के बीच में इसकी पोजीशन बना के इसे चिपकाएंगे। ये दोस्तों हमारी पॉलीथीन सेट हो गई है। अब हम एक टेप काट लेंगे, और काटने के बाद हमने टेप को इस पॉलीथीन पर लगा के और इस फ्रूट क्रेट में एक साइड से चिपका देना है। ये चूँकि दोस्तों दो लोगों का काम होता है, अगर दो आदमी हो तो काम आसानी से होता है, पर मैं अकेले ही कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसको चिपकाने में समस्या हो रही है, पर फिर भी बन जाएगा आराम से। तो इसे देखिए दोस्तों हमने इस प्रकार चिपका लेना है। क्योंकि फ्रूट क्रेट में ये प्लेन नहीं होता है इसलिए टेप आसानी से चिपकता नहीं है, तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ इसमें ऊपर निकली हुई है जहाँ पर टेप नहीं चिपक पा रहा है तो वहाँ हमने टेप को हल्का हल्का कट कर लेना है जिससे कि हमारा टेप आराम से चिपक जाए और वो फिर निकले ना। इस प्रकार हमने जहाँ जहाँ से भी जो कुछ प्लास्टिक इसके बाहर निकले हुए हैं तो वहाँ से हमने टेप को काट लेना है हल्का हल्का, और फिर वो अंदर की तरफ टेप फ्रूट क्रेट में चिपक जाता है तो वो होल्ड कर लेता है, पॉलीथीन को हमारे निकलने नहीं देता है, सरकने नहीं देता है। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड से भी चिपकाना है पॉलीथीन को टेप से। इसके लिए दोस्तों चौड़ा वाला टेप ही रखिए, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि पॉलीथीन पे भी टेप होना चाहिए और फिर फ्रूट क्रेट पे भी, और उसको होल्ड करने के लिए जो चौड़ा वाला टेप होता है वो थोड़ा मजबूत पकड़ होती है उसकी। तो हमने इसे देखिए नीचे से बराबर कर लिया, और बराबर करने के बाद हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है पॉलीथीन, तो
इसे हम बाहर की तरफ निकाल के और इसे इसी तरह से हम प्लास्टिक टेप की मदद से चिपका देंगे इस साइड से भी। सेम काम जो हमने उधर किया वही काम हमें इधर भी करना है। तो हम टेप को काट लेंगे और इधर भी लगा के इसे टेप की मदद से उसमें चिपका देंगे और फिर हमने वही जो बाहर निकल रही होती है प्लास्टिक उसके हिसाब से टेप को काट के अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ये हो गई एक साइड की। अब जो दोनों साइड्स दोनों छोर अलग अलग हैं हमें इसके हिसाब से पॉलीथीन अलग से मेजर करके इतनी बड़ा इतनी साइज़ की फिर उस पॉलीथीन को काट के हमें दो अलग अलग पॉलीथीन दोनों किनारों पर लगानी है। तो हम इसके हिसाब से पॉलीथीन नाप लेंगे और नाप के दो टुकड़ों में और इसके बराबर की पॉलीथीन काट लेंगे हम। दोस्तों हमारी पॉलीथीन कट गई है और अब हम इसे इस प्रकार इसमें लगा के दोनों किनारों से इसे भी हम टेप की मदद से फ्रूट क्रेट में चिपका देंगे। देखिए इस प्रकार हमने इस पर टेप लगा लिया है और इस टेप से हम इसे दोनों तरफ से चिपका के लेंगे और फिर अंदर की साइड जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ भी हम टेप की मदद से चिपका देंगे ताकि पानी और मिट्टी इस जॉइंट्स के रास्ते पॉलीथीन के अंदर ना घुसे। तो जो भी जॉइंट्स हैं हमने वो टेप से पैक कर देने हैं। हमने कोनों पे भी टेप लगा दिया और जो नीचे की तरफ पन्नी जॉइंट हो रही है पॉलीथीन वहाँ भी टेप लगा दिया। इस तरह से देखिए कोनों पे भी हमें टेप चिपका देना है दोनों कोनों पे। दोस्तों इस तरह की फ्रूट क्रेट से बनाए हुए गमलों में ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होता है क्योंकि नीचे होल्स ज़्यादा होते हैं और हम पॉलीथीन को काट के ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें पानी रुकता नहीं है। और इस पॉट्स को कैरी करना भी कहीं इधर उधर आपको शिफ्ट करना है तो इसके हैंडल की मदद से इसे कैरी करना भी बहुत आसान होता है। और किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जी हो या फिर फूल के पौधे हो फल के पौधे हो आप किसी भी साइज़ के पौधे इस फ्रूट क्रेट में लगा सकते हैं और उसमें अच्छी फ्लॉरिंग एंड फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी साइड भी दोस्तों हमने उसी तरह से पॉलीथीन चिपका के उसके किनारों को सील कर देना है पैक कर देना है। जो भी जॉइंट्स हैं उन्हें पैक कर देंगे ताकि पानी या मिट्टी उस रास्ते एक्स्ट्रा एक्सेस ना हो। दोस्तों चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब या लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसको हमने चारों तरफ से पॉलीथीन से पैक कर दिया। अब इसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए हमें पॉलीथीन कुछ जगहों से छेद करना है तो हमने थोड़ी थोड़ी पॉलीथीन काट के निकाल देते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर हो वो बाहर निकल जाए। तो हमने कुछ इस प्रकार से चाकू की मदद से काट काट के पॉलीथीन को निकाल दिया है, 6-7 होल्स बना दिए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हमारा फ्रूट क्रेट से पॉट बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम मिट्टी भर के पौधे लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।